बोलो बोलो बट सेल आई से नथिंग क्या कहना चाहिए अपने बारे में क्या कहना चाहिए नथिंग कैन बी जर्नी तो बहुत अच्छी और लास्ट बोलो बोलो बहुत सेल आई से जर्नी अच्छी थी और बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला है मेरे साथियों से मेरे बारे में क्या कहना चाहोगे हर्ष के बारे में कहना चाहता हूँ कि ही इज़ वेरी ऑनेस्ट पर्सन और लाइफ में स्ट्रगल करना चाहता है स्ट्रगल बहुत ज़्यादा लाइफ में सीखा भी है देखा भी है और लाइफ में स्ट्रगल भी करना चाहता है और बिना हार्ड वर्क के अचीव नहीं करना चाहता बट थोड़ा सा डिटरमाइंड नहीं है चीज़ों से डिटरमिनेशन कर लेता है लेकिन डिटरमिनेशन जल्दी ब्रेक कर देता है अगर ये डिटरमिनेशन को कंसिस्टेंसी के साथ में रखे तो ही कैन अचीव एवरीथिंग और जो अचीव करने के लिए इंसान के अंदर क्यूरियसिटी होनी चाहिए वो है हर्ष के अंदर ऑनेस्टी जो होनी चाहिए वो है इसके अंदर जज्बा जो होना चाहिए वो है इसके अंदर बट इन सारी चीज़ों को एक जो स्ट्रिल क्या बोलते हैं उसको थ्रेड जो होता है उसमें पुराने वाली जो डिटरमिनेशन है वो कंसिस्टेंसी जिसे हम कह सकते हैं उसकी ज़रूरत है अदरवाइज एवरीथिंग इज सुधांशु इज अ मास्टर माइंड पर्सन ही इज़ वेरी गुड पर्सन और डेफिनेटली विल ऑल्सो अचीव हिज एम बट ही ऑल्सो नीड्स हार्ड वर्क सुधांशु स्पेशली आपसे कह रहा हूँ भाई देख मैं वहाँ इसलिए नहीं कहता था कि कहीं देर को बुरा नहीं लग जाए आप स्टडी पे कम टाइम दे रहे हो और जो इधर उधर की चीज़ों पे आपका टाइम जा रहा है उनको थोड़ा सा कंसाइज करो और अपना टोटल अटेंशन और एनर्जी अपनी एजुकेशन पे लगाओ एज यू नो आप भी मुझे भी बताते हो कि फादर और मदर अपने अर्निंग का कितना परसेंट आपके पास भेज देते हैं उनकी भी आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं तो उसको जाया ना करें और अपनी पूरी स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रेंथ है तुम्हारे अंदर माइंड भी है ऐसी बात नहीं है उस सबको ना एक जगह लगाओ लो फिलहाल एक दो साल के लिए फिर उसके बाद ज़िंदगी में मौज मस्ती करने के लिए गुड बाय थैंक यू सो वेरी मच अब मेरी बारी है भैया हमेशा खुश रहें और बहुत आगे बढ़ें भाई बहुत इंटेलिजेंट है बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी है इतनी उम्र में होने के बाद भी एक बेबी है भैया के पास उसके बाद भी बंदा आ रहा है इतनी दूर दिल्ली के अंदर पढ़ाई कर रहा है भाई 12-12, 13-13 से ज़्यादा कई सिटिंग रही है हमेशा कभी भी कंटिन्यूटी हमारे अंदर तो नहीं आई भैया के अंदर ना मुझे लग रहा है जब से हम लोग दिल्ली में आए हैं 2-2.5 साल से ना डेली कंटिन्यूटी डेली एक्सरसाइज करना डेली उनका काम कर रहा है पढ़ाई कर रहा है बीमार हो किसी की कोई तकलीफ हो किसी की डेथ हो गई हो लेकिन पढ़ाई जो है ना इनकी सब पहली प्रायोरिटी है और जिस बंदे का आज जन्मदिन है ना डॉक्टर अम्बेडकर साहब वो पढ़ाई के बल पर ही पूरी दुनिया को जीते हैं तो भैया के अंदर वो मतलब मैंने उनको तो नहीं देखा लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ भैया उसी का रस निकल करके आया होगा भैया के अंदर उनके तो पैरों के बराबर भी नहीं नहीं ये तो मैं आपको छोटा कहना होगा हर आदमी के अंदर ब्रह्म बसता है परमात्मा बसता है तो हम भी उन्हीं के कदमों पर चल सकें आज उनका जन्मदिन है भैया हमेशा खुश रहें और हमारी एक छोटी सी लाडो आ रही है ठीक है वो भी हमेशा खुश रहे और मिलेंगे ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा आयाम हासिल कर करके एक दिन दुनिया को फतेह करना है और जीतेंगे जय UPSC अधिकारी बन के मिलेंगे हार नहीं मानेंगे चल ठीक है ठीक है ओके बाय भैया अरे यार मान लो कोई बात नहीं ध्यान रखना ओके गुड बाय बाय फोटो ले लो एक इतने सारे